विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हो रहा है, जो करीब 64 करोड़ का होगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र शुरू होने के पहले यानी सोमवार को विधायक पद की शपथ ली। सीएम धामी ने सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय में आयोजित किया गया था। बता दें कि वह बीते दिनों चंपावत विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अलावा बीजेपी के तमाम विधायक वहां मौजूद रहे। मौजूद विधायकों ने सीएम को शपथ ग्रहण के बाद धन्यवाद दिया। सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद संबोधित कहा कि हमारे राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष से मुझे शपथ लेने का मौका मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राज्य के सेवक के रूप में काम करूंगा। मैं उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा। मैं पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के विकास के लिए काम करूंगा। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो दायित्व मुझे मिला है, मैं उसे अपने प्राणों प्रण से, मेरे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितनी मेरी क्षमता है, उस ऊर्जा के साथ मैं उसका हर प्रकार से कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आप सबके आशीर्वाद से वो हम लक्ष्य तक पहुंचे, सफल हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को स्वस्थ सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ये मात्र एक नारा नहीं है, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिसको लेकर हम लगातार विभिन्न अवसरों पर इस बात को मैं दोहराता रहा हूं। हमारा लक्ष्य और हमारा ये विजन है कि आने वाले समय में जब हमारे राज्य की रजत जयंती वर्ष का वर्ष मनाया जा रहा हो, जब हम 25 साल में पहुंचे हैं, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य